है दिस इज शैलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक्चुअली आज मैं पचगनी की ट्रिप करने वाला हूँ जिसे मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अभी बचे हैं दोपहर के दो और मैं अभी हूँ पुणे में और पुणे से पचगनी जो है लगभग 109 किलोमीटर है। तो यहाँ से अभी मैं निकलूंगा। जब मैं घर से निकला तो तब बजे थे 3 और अभी बजे हैं 4 और यहाँ से 80 किलोमीटर और बाकी है। महाबलेश्वर के पास पाचगनी महाराष्ट्र में बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। जाते हुए हमने बहुत सी चीजों को एक्सपीरियंस किया। पाचगनी पास आने का एहसास होते हुए पुणे से जब मैं निकला था वहां पर जो फ्रंट थी उससे ज्यादा थे। पुणे से जब हम निकले पाचगनी की ओर तो रास्ता जो है काफ़ी अच्छा था। कुछ भी प्रॉब्लम हुई नहीं और बीच में बहुत से कैंटीन्स रेसोर्ट्स होटल्स अगर कुछ खाना चाहते हैं तो स्नैक्स की दुकानें और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े और छोटे छोटे होटल्स भी देखने के लिए मिले। खास करके यहाँ का जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा लगा। पाचगनी की इस ट्रिप को काफ़ी मैंने एंजॉय किया और हमने जाते हुए देखा कि घर के लिए अगर हम प्लांट लेना चाहते हैं इंडोर आउटडोर कोई भी अगर प्लांट लेना चाहते हैं तो नर्सरी जो है यहाँ की सातारा खास करके सातारा के पास की जो सातारा से चालू होते हुए पाचगनी के बीच में आते हैं वह नर्सरी काफ़ी बड़े थी। उनके पास में काफ़ी अच्छे अच्छे खूबसूरत प्लांट्स और फ्लावर्स के जो प्लांट्स है वो काफ़ी अच्छे थे। अभी 6 बजे और मैं यहाँ पर चाय नाश्ता करने के पाचगनी यहाँ से अभी पास में 10 किलोमीटर और ये जो एरिया है वो वाई एरिया है। के समय पाचगनी का जो सफ़र था वो तो काफ़ी अच्छा लगा बट अनफॉर्चुनेटली पाचगनी हिल स्टेशन हम रात में पहुँचे जब तक अंधेरा हो चुका था। इस वजह से डे का जो खूबसूरती का जो नज़ारा है वो देखने के लिए नहीं मिला। बट सी गाइस तो अभी मैं हूँ पाचगनी के हिल स्टेशन पे और अभी 7 बजे है। आते आते मुझे नाइट हो गई। व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा है। खासतौर पर पाचगनी विलेज जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर मैंने देखा कि पाचगनी जिसके लिए फेमस है स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी के स्टॉल्स और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स काफ़ी देखने के लिए मिले हैं और यहाँ पर मार्केट में हमें एंटिक चीज़ें भी देखने के लिए मिली अगर हम कुछ घर के लिए लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से विलेज जो है वो काफ़ी खूबसूरत लगा। पाचगनी में देखने के लिए बहुत से ऐसे व्यू पॉइंट है जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जैसे सिडनी पॉइंट, पेरिस पॉइंट, टेबल लैंड। तो हमने रात के समय में टेबल लैंड को देखा और सिडनी पॉइंट और पेरिस पॉइंट।
turn us to thousands, and we'll grow.